Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's our topic is defect of vision and its corrective measures. Okay, basically this is the last video on the eye, I mean human eye. ठीक है, तो human eye के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, right? इसके पार्ट्स के बारे में जो भी है वगैरह वगैरह, तो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट, राइट? वी नो अबाउट दैट. नाउ वी इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द विजन डिफेक्ट ऑफ विजन, क्या क्या विजन में डिफेक्ट होते हैं, राइट? एंड इट्स करेक्टिव मेजर, उसे करेक्शन कैसे किया जाता है, राइट? तो ह्यूमन आई में बेसिकली क्या क्या डिफेक्ट पाए जाते हैं और कैसे उसको ठीक किया जाता है, करेक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा. लेट्स सी. तो एज यू सी, दैट इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, बेसिकली ह्यूमन आई, राइट? एज यू सी, देर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई. नंबर वन इज द लॉस ऑफ power of accommodation, and number two is cataract, right? तो basically ये दो तरह के defect पाए जाते हैं, right? पहले वाले में क्या होता है, loss of power of accommodation. accommodation हम लोग पढ़े थे पिछले classes में, right? तो उसमें accommodation या simply हम लोग पढ़े थे accommodation of eyes, right? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई. तो वो जो है पास के चीज़ या दूर के चीज़ जो एकोमोडेट करता है उस चीज़ को वो भूल जाता है, नहीं कर पाता है. कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंट विजन, नियर विजन, इसमें वो डिफेक्ट, ये जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ये लॉस कर देता है, राइट? और कैटरेक्ट, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि दे आर टू टाइप्स ऑफ आई डिफेक्ट और विजन. नंबर वन एज यू सी, दैट इज लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, एंड नंबर टू दैट इज कैटरेक्ट, राइट? एंड फर्दर लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन इज डिवाइडेड और फर्दर सब डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, दैट इज मायोपिया. इसके बहुत सारे नाम हैं, आप यूज़ कर सकते हो, नियर साइट साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं. दूसरा, द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इन द कैटेगरी ऑफ लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन इज हाइपरोपिया, राइट? दैट इज फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं इसको. और थर्ड वन इज दैट प्रेस बायोपिया. तो बेसिकली दैट आर दीज आर द डिफेक्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस वीडियो. ठीक है, तो चलिए देखें, एक एक करके देखते हैं कि मायोपिया किसको कहते हैं, कैसे होता है, इसका करेक्टिव मेजर्स क्या है, हाइपरोपिया क्या है और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है. वन बाय वन हम स्टेप में पढ़ेंगे, राइट? चलिए फर्दर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मायोपिया. एज यू सी, मैंने अभी बताया था कि मायोपिया को बहुत सारे नामों से जाना जाता है. तो बेसिकली हम लोग मायोपिया को नियर साइटनेस या फिर शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, राइट? तो हाउ वी डिफाइन मायोपिया, तो मायोपिया को मैं बता दूँ डिफाइन कैसे करते हैं, कि जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में कि डिस्टिंक्ट विजन और नियर विजन. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, नियर, देखो लिखा हुआ है द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन एबल टू सी क्लियर नियर ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, मतलब पास के जो चीज़ें हैं, जस द ऑब्जेक्ट विच आर नियर टू आवर आइज, ओके, दे कैन सी क्लियरली, दे एबल टू सी क्लियरली, पास की चीज़ों को वो आसानी से देख सकते हैं, मतलब उनका जो नियर विजन है वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है. बट लॉस्ट देयर डिस्टेंट विजन, यानी दूर की चीज़ उन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, वो दूर की चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसको डिटेल देख तो पाते हैं बट ब्लरी देखते हैं या उसके डिटेल्स क्या हैं वो नहीं देख पाते हैं. जब ऐसा डिफेक्ट ह्यूमन आई में पैदा होता है, राइट? तो इस तरह के
डिफेक्ट को हम मायोपिया कहते हैं, राइट। तो हाउ वी डिफाइन द डिफेक्ट ऑफ एन आई इन विच अ पर्सन कैन एबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, राइट। देखो क्या बोला, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट लॉस्ट इज हिज डिस्टेंट विजन, ठीक है। दूर की चीज़ को, पास की चीज़ को वो देख पाता है, राइट। जैसे मैंने यह एग्जांपल दिया, देखिए रीडिंग बुक, बुक हम लोग पास में रख के देख पढ़ते हैं, टेलीविजन को देखते हैं, तो सी क्लियरली, इसे देखने में से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो कोई बस स्टॉप पे खड़ा है, ठीक है, और बस आ रही है, बस का नंबर कितना नंबर है वो उसे पता नहीं चल रहा है, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। या दूर से देख दिख रहा है कि कोई आ रहा है लेकिन कौन आ रहा है उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। तो दीज आर माइपो, ऐसे तरह के जो होते हैं डिफेक्ट, दैट इज नोन एज मायोपिया, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मायोपिया, ओके, वेरी गुड। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट या आप लिख सकते हैं इसको अपने तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत ही, जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जो वीडियो क्लासेस देखते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका रहता है कि वो चीज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ वी मूव टू द इट्स कॉज। तो ये हो गया मायोपिया, इसके कॉजेस क्या होते हैं हम जान लेते हैं। तो कॉज एंड इट्स करेक्टिव मेजर, ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मायोपिया की बात कर रहे हैं, कि कॉज क्या रहता है। तो पहला, द प्रॉब्लम ऑकर व्हेन द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। आई बॉल जो है हमारा, हम पढ़े थे आई बॉल, आई बॉल हमारा कैसे रहता है, स्फेरिकल, राइट, स्फेरिकल रहता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो सो लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो जाता है, नॉर्मल जितना रहता है, ऐसे नॉर्मल जैसे रहता है, तो ये जो है इसका लेंथ बढ़ जाता है। नॉर्मल में ऐसा रहता है, लेंथ में थोड़ा सा ऐसे लेंथी हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑकर व्हेन द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग सो दैट लाइट, जिसकी वजह से लाइट का जो रे है फोकस एट द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना बट नॉट डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ रेटिना। तो क्या बता रहा है कि, मैं बता देता हूँ आपको कि ये एक्चुअली क्या होता है, ये कब होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके लिए एक वाइट स्लेट लेता हूँ, ये देखिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक आई है, इस तरह का, जो थोड़ा सा लंदी हो गया, आप लोग की तरह मैं तो ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा, फिर भी रफली मैं कर रहा हूँ। ये आई बॉल है और ये जो है पीछे वाला पोर्शन, आप लोगों को मालूम है ये रेटिना रहता है ना, पीछे वाला जो पोर्शन है रेटिना है। तो यहाँ से जब लाइट जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे, ये रेटिना पे गिरना चाहिए, रेटिना पे नहीं बल्कि रेटिना से पहले ये फोकस होता है, यहाँ पे ये फोकस होता है, ठीक है। जो लाइट यहाँ पे जाता है तो फोकस यहाँ पे रेटिना पे पड़ेगा, तब क्लियर दिखाई देगा, चूँकि ये लंबा हो गया। देखिए नॉर्मल आई में क्या होता है, ऐसे नॉर्मल है, तो ये जब आई सिर्फ ये जाता है तो रेटिना पे ही पड़ता है, गिरता है, जिससे हम यहाँ पे जो जो कोई चीज़ है उसे हम क्लियरली देख पाते हैं। बट इन मायोपिया क्या हो जाता है, ये इलोंगेटेड हो जाता है, राइट, ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है। तो इस तरह से मान लीजिए, ऐसे होता नहीं है, थोड़ा सा मैं दिखाने के लिए इलोंगेटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, तो इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, यहाँ पे नहीं जाके फोकस यहीं पे होता है, ठीक, जिसकी वजह से उन्हें दूर की चीज़ देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो एज यू सी द प्रॉब्लम ऑकर व्हेन द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग so that the ray focus at the point in front of retina but not directly on the surface of the retina. तो cause क्या हो गया, myopia का cause क्या हो गया, eyeball का बड़ा होना, right? अगर आपसे पूछा जाए तो यही होगा कि what is the cause of myopia, that is eyeball become too long so that the light ray focus at the point in front of retina, retina के सामने वो फोकस करता है बट नॉट डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ रेटिना, उसे रेटिना पे करना चाहिए यानी रेटिना के सर्फेस पे करना चाहिए फोकस, लेकिन उसके आगे हो जा रहा है, सिंपल सी बात है, क्लियर।
आई होप आपको समझ में आया कॉज क्या है माई पी आर का. नाउ इसका करेक्टिव मेजर्स हम कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं. तो इट कैन करेक्टेड यूजिंग बायो या बाई कॉनकेव कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस मालूम है आप लोगों को कैसा रहता है, कॉनकेव कुछ इस टाइप का रहता है ना, इस टाइप का है ना, इस तरह से कॉनकेव. या आप इसको इस ऐसे भी कर कह सकते हो इस तरह से, राइट. तो कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है इस तरह के डिफेक्ट जिसके आई में आ जाते हैं, जिन्हें दूर की चीज़ नहीं दिखाई जाती है, उनमें कैसा लेंस यूज़ किया जाता है, बाई कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है. उनके स्पेक्टिकल या कॉन्टैक्ट लेंस में देखें उनकी आँखों की ये जो तकलीफ़ है, ये जो डिफेक्ट है, उसको करेक्ट किया जाता है, राइट. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट द मायोपिया, तो बायोकॉनकेव. क्लियर. नाउ जिसे हम कॉमनली जानते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखने नहीं पाया ठीक से, इसको हम माइनस पावर कहेंगे. क्या कहेंगे, कॉमनली नोन एज माइनस पावर. ठीक है, ये जानकारी के लिए आपको, कि बहुत बोलते हैं ना प्लस माइनस, प्लस पावर है माइनस पावर है, राइट. तो माइनस पावर मतलब उससे दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है, उसे बायोकॉनकेव लेंस उसमें यूज़ किया गया है. आई होप आपको ये चीज़ सुने होंगे लेकिन मालूम नहीं था, तो आज आपको ये जानकारी हो गई, राइट. तो चलिए और भी बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी, स्टे ट्यून्ड विद अस. नाउ तो मैंने हम लोग पहले टाइप के डिफेक्ट पढ़ लिए, नाउ वी मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज़ हाइपरोपिया. ठीक है, इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं, तो बेसिकली दो नाम से हम जानते हैं. तो ये डिफेक्ट कब होता है, तो जो बंदा मायोपिया समझ गया वो हाइपरोपिया को भी समझ जाएगा. कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, राइट. मायोपिया में हमने देखे थे क्या, कि उन्हें पास की चीज़ दिखाई देती है, दूर की चीज़ देखने में तकलीफ होती है, राइट. और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इन्हें पास की चीज़ तकलीफ होती है बट दूर की चीज़ साफ दिखती है. समझ में आया, तो दैट इज़ द डिफरेंस. इनमें डिस्टेंट विजन सही रहता है और नियर विजन डिफेक्ट हो जाता है. तो कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी डिफाइन हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, द डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वेरी वेल बट unable to see near object clearly. देखते तो हैं पास की चीज़ बट ठीक तरह से उसको डिटेलिंग्स नहीं कर पाते हैं, क्या लिखा हुआ है नहीं जान पाते हैं. क्लियर. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरोपिया और हाइपरमेट्रोपिया. नाउ वी मूव टू द कॉजेज ऑफ इट, इसका कारण क्या होता है, इसे ये डिफेक्ट होता है क्या है. तो देखिए ये डेफिनेशन भी उल्टा है तो कॉजेज भी उल्टा होगा. उसका लॉन्ग हो जा रहा था आई बल्ब, इसका आई बल्ब शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, पीछे छोटा हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, द लाइट रे जो आंखों में प्रवेश करता है, एंटरिंग द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फोकस नॉर्मली ऑन द रेटिना बट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना. वो सामने पर रहा था और ये रेटिना के पीछे चला जाता है. ठीक है, जब नियर के लिए होता है तब की बात हो रही है, दूर में के तो फोकस लेंथ वही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ता, बट जो पास की चीज़ आती है तो उसका फोकस लेंथ और पीछे की तरफ चला जाता है. तो रेटिना पे जो जाना चाहिए था, फोकस करना चाहिए था, वो रेटिना नहीं, रेटिना के थोड़ा पीछे जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए रेटिना की वॉल पे जो होता है वो कैसा इमेज क्रिएट होता है, एक हेजी और ब्लर्ड इमेज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो पास की चीज़ों को देखने में उन्हें दिक्कत होती है, राइट. तो दैट इज द कॉज. एंड नाउ वी मूव टू द करेक्टिव मेजर्स, इसे इसको करेक्ट कैसे करते हैं. यस, इसे करेक्ट किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि दूर की चीज़ जो नहीं, पास की चीज़ जो नहीं देख पाता वो हमेशा अगर नहीं देख पाता है. तो उनके लिए यूज़ किया जाता है बायोकॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है, राइट. और बायोकॉनकेव लेंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव पावर से डिनोट करते हैं, राइट. बहुत आदमी बोलता है ना मेरे लेंस में पॉजिटिव पावर है, तो पॉजिटिव मींस समझ लो बायोकॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, और पॉजिटिव मींस उसे पास की चीज़ नहीं दिखाई देती है. ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरोपिया.
तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आपको करेक्टिव मेजर दे देगा, लेंस बता देगा एंड यू हैव टू नेम द डिफेक्ट, राइट। तो हर तरह से आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। देखिए बेसिकली है जो आपको बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप बेसिक चीज़ समझ जाओगे तो आप कैसे भी उसका क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन अगर आप रख लोगे तो आप एक ही क्वेश्चन को दे पाओगे, उसी क्वेश्चन को अगर घुमा के देगा तो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रटना बंद करो, समझो अच्छी तरह से, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डिफेक्ट, दैट इज प्रेस बायोपिया, राइट। तो प्रेस बायोपिया जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली एजड पीपल जो होते हैं अबव 40 के ऊपर जो पर्सन होते हैं या पीपल होते हैं, दे कैन नॉट बी सी द डिटेल्स ऑफ द नियर ऑब्जेक्ट। वो नियर ऑब्जेक्ट के डिटेलिंग को नहीं देख पाते, मतलब पास में दिखता है लेकिन ब्लरी दिखता है, राइट। तो द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच एज पीपल अनेबल टू सी द डिटेल ऑफ नियर ऑब्जेक्ट, ओके, सिंपली बात है। तो कॉजेस क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, देखो ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, लेंस की इलास्टिसिटी होती है। हम लोग पहले पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें बताया गया था कि सिलियरी बॉडी कैसे, सिलियरी बॉडी और लेंस किस तरह से एक दूसरे से कभी कभी लेंस जो है वो थिक हो जाता है, कभी लेंस थिन हो जाता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, राइट। तो इलास्टिसिटी उसके अंदर है, तभी तो वो रिलैक्स हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, थिन हो सकता है, थिक हो सकता है, राइट। तो वो इलास्टिसिटी वो क्या कर देता है, खो देता है क्रिस्टलाइन लेंस, जिसकी वजह से एकोमोडेशन नहीं कर पाता है ठीक से, चाहे वो डिस्टेंस का हो या फिर नियर विजन का हो। तो ये बेसिकली 40 के अबव जब जाता है पीपल, तो उसमें ये जो है उसका लेंस वो इलास्टिसिटी अपना लेंस खो देता है, जिसकी वजह से उसे पास की चीज़ों को देखने में बहुत ही दिक्कत होती है, राइट। तो दैट इज़ द कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया। तो देखो जैसे बता रहा हूँ अभी वही चीज़, एकोमोडेशन नहीं कर पाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस बिकॉज ऑफ वीक पावर ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स जो हैं और क्रिस्टलाइन लेंस दोनों का जो आपस में कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है, राइट। करेक्टिव मेजर्स सिंपल यूजिंग बायो कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज प्लस। देखिए हम इस तरह से इस तरह के डिफेक्ट को हम डील करते हैं, राइट। तो दैट इज द बेसिकली द थ्री डिफेक्ट ऑफ व्हाट, लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, ओके। नाउ और एक तरह का जो दूसरे टाइप का था कैटरैक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो कैटरैक्ट होता है लेंस क्लाउडी हो जाता है, धुंधलापन, लेंस बहुत, ये भी जब 40 के एज के हो जाते हैं बंदे तो उनमें ये देखने को मिलता है, राइट। तो क्या होता है, क्या है, क्लाउडिंग और ओपेसिटी, यानी क्लाउडिंग हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है उसमें, किसमें, क्रिस्टलाइन लेंस में। लेंस क्या है, हम लोग का क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए तो क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है, क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर है, हम लोग पढ़े थे। लेकिन जैसे समय समय बीतता रहता है तो उसकी जो क्रिस्टलाइन जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है, वो थोड़ा सा क्लाउडी होता जाता है और ओपेसिटी आ जाता है, उनकी क्वालिटी हो जाती है ओपेसिटी की तरह। आप जानते हो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं करने देता है, तो ये भी ओपेसिटी कुछ वैसा ही लेंस हो जाता है, ठीक है। तो कैटरैक्ट में भी क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स का जो नेचुरल आई है, नेचुरल क्रिस्टलाइन आई लेंस है, वो क्या हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है और ओपेसिटी हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट, राइट। समझ में आया कैटरैक्ट क्या होता है, कि बेसिकली क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। लाइट इधर से इस पार से उस पार जा सकती है ना, और क्या होती है, और क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता है तो ये क्लाउडिंग होता जाता है और ओपेसिटी हो जाता है, जिसकी वजह से उस, तो जब लेंस का कंडीशन ऐसा हो जाता है, क्लाउडिंग और ओपेसिटी, तो उस
लेंस के डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरैक्ट, राइट? क्लियर? क्लाउडिंग और तो हाउ वी डिफाइन क्लाउडिंग और ऑपेसिटी ऑफ आईज नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस इज कॉल्ड कैटरैक्ट. ओके, नाउ इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या होता है? पर्सन मे बी लॉस ऑफ विजन, हो सकता है कि उसे दिखाई भी ना दे, तो बहुत बड़ी बात है बच्चों, है ना. लेंस अगर धुंधला हो जाएगा तो दिखाई कैसे देगा, लाइट आएगा ही नहीं, राइट? तो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ से? तो दैट्स वाई इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट पर्सन मे बी लॉस ऑफ विजन पार्शियली, या तो उसे धुंधला दिखाई देगा या हो सकता है कुछ दिन बाद वो टोटली ब्लाइंड हो जाए. देयर एंड ठीक है एंड सीन इन द एज ऑफ 40+, यानी 40 के ऊपर के बंदे में या पीपल में ये देखने को आता है, राइट? कॉमन कॉजेज क्या होता है? एजिंग सबसे बड़ा कॉमन कॉज हो गया, एज होने से ही होता है, क्योंकि एज के साथ साथ सब कुछ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, तो लेंस भी कमज़ोर हो जाता है. तो पहला कॉज हो गया एजिंग, दूसरा वो ऑबेसिटी मतलब मोटापा, राइट? डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, स्मोकिंग और कंजप्शंस ऑफ अल्कोहल एक्सेट्रा, और बहुत से रीज़न होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द मेन कॉजेज, दैट इज़ एजिंग, ऑबेसिटी, डायबिटीज़, स्मोकिंग, कंजप्शंस ऑफ अल्कोहल एक्सेट्रा, दीज आर द बेसिक कॉजेज ऑफ और कॉमन कॉजेज ऑफ कैटरैक्ट, राइट? तो दैट इज़ द कॉमन कॉजेज. नाउ वी मूव टू द करेक्टिव मेजर्स. कैसे करेक्टिव मेजर्स? तो बस सिंपल सी बात है, उस लेंस को जो ख़राब हो गया, लेंस नेचुरल लेंस को हटा के आर्टिफिशियल लेंस प्लांट किया जाता है आँखों में. ठीक है, ऑपरेशन देखते हैं ना, बहुत आदमी का किया जाता है. तो दैट इज़ बाई रिप्लेसिंग द डिफेक्ट लेंस, या डिफेक्टिव होना चाहिए, कोई बात नहीं है, डिफेक्टिव लेंस विथ एन आर्टिफिशियल लेंस. एंड तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैटरेक्ट जब हो जाते हैं आँखों में तो उसको हम इस तरह से जो डिफेक्टिव लेंस है उसको हटा के, यानी नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस जो था उसे हटा के, क्रिस्टलाइन तो उस समय नहीं बोलेंगे, क्लाउडिंग बोलेंगे, तो उस समय उसको हटा के आर्टिफिशियल लेंस जो बनता है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं. हम लोग नहीं करते हैं, सर्जन लोग करते हैं. चलो, तो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर आइज, और आज हमारा आइज का चैप्टर कंप्लीट हो गया. आई होप आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा और आप सब समझे होंगे, आपका सारा टॉपिक क्लियर होगा. अब बट अगर कोई भी क्वेरीज रह गया हो तो यू कैन इनबॉक्स मी, आई डेफिनेटली हेल्प यू. ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एंड वॉचिंग. सी यू अगेन. Bye, take care, good night.